यहाँ से 4 इंच आपको छोड़ के लगाना है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर वो डिज़ाइनर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्लाइडिंग वॉलड्रॉप की फिटिंग जो रहती है। स्लाइडिंग जैसे कि आप देख रहे हैं, स्लाइडिंग चैनल जो फिटिंग किया जाता है, स्लाइडिंग वॉलड्रॉप दो दरवाजे का जो स्लाइडिंग फिटिंग है वो कैसे लगाया जाता है, तो वो आपको लगा के मैं पूरा प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपको दिखा दूँ मैं, ये वाला जो है, ये वाला जो ट्रैक है और जो चैनल है, और ये वाला जो देखा आपने बॉस कंपनी का जो चैनल है, इस चैनल को मैं आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कैसे लगाया जाता है जो स्लाइडिंग चैनल जो है वो लगा के आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रैक है वो आपको मैं फिटिंग करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे सबसे पहले ये वाला ऊपर जो लगने वाला ट्रैक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो 1.25 इंची इसका थिकनेस है और इसका जो चौड़ाई है वो आपको 3.25 इंची का चौड़ाई मिलेगा। तो आपको 3.5 इंची या 4 इंची आप उस जगह छोड़ सकते हैं, जैसे कि इसको लगाने के लिए। जैसे कि ये साइड में आप नीचे जो पतला वाला जो चैनल रहेगा वो आपका नीचे लगेगा, लेकिन आपको लगाते समय एक ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीछे के साइड में बड़ा जो साइज़ है वो आपको जैसे ऊपर रखेंगे तो ऊपर के साइड में अगर अंदर है तो नीचे के साइड में भी आपको अंदर रखना है। इसको आप पलटी करके भी लगा सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों साइड में एक सरीका लगाना है आपको। जैसे कि अंदर के साइड में ये बड़ा वाला जो पट्टी है वो लगाया है, तो ऊपर के साइड में भी हम लोगों ने ये वाला जो पट्टी है वो अंदर के साइड में लगाया हुआ है, जैसे कि आपको दिखा। और ये वाला जो चैनल है काफ़ी अच्छा चैनल है। जैसे कि मैंने एक और वीडियो पहले डाला था अपने चैनल पर, तो इसका जो ये आप देख रहे हैं, ये जो कैस्टर है, जो दरवाजे को लगने वाला जो व्हील है, उस वीडियो में भी ये वाली ही फिटिंग थी, लेकिन उसका जो ट्रैक था, जो दरवाज़ा जिसके ऊपर चलता है जो चैनल फिटिंग होता है, वो ट्रैक अलग था और ये वाला जो ट्रैक है वो अलग है। तो ये वीडियो थोड़ा अलग है। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो उसका भी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वो वाला जो है, वो जो ट्रैक है वो अलग फिटिंग का है और ये वाला जो ट्रैक है वो अलग है, तो आप वो देख सकते हैं। और इसमें जैसे कि देखेंगे तो खाँचा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये बॉटम है और ऊपर ये फिटिंग हो जाएगा। और इसके अंदर भी आपको 4 हाइड्रोलिक मिलेंगे, 2 ये साइड में और 2 ये साइड में। तो इससे क्या होगा कि दरवाज़ा आपका आवाज़ नहीं करेगा, अगर दरवाज़ा जब बंद होगा तो आवाज़ नहीं करेगा। सॉफ्ट क्लोज, जैसे ये सॉफ्ट वाला है तो ये सॉफ्ट दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये 4 आते हैं तो दोनों साइड में आपका ये सॉफ्ट से बंद होगा। जैसे कि आपको इसको फिटिंग करना है, इसके अंदर एक तीर का निशान रहेगा, तो उस साइड से आपको इसको अंदर रखना, अंदर डालना है। और ये एलंकी जो रहेगा इसके साथ में, अगर आपको इसको फिक्स करना है जहाँ पे भी, तो वो एलंकी आपको टाइट करना है, तो ये जो हाइड्रोलिक है वो फिट हो जाएगा। तो हम लोग आपको दिखा देते हैं कैसे इसको फिटिंग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ये साइड में जो तीर का निशान है वहाँ से हम लोगों ने इसको अंदर डाला है, तो ये साइड में दोनों हम लोगों ने लगा दिए हैं। और अब ये साइड में भी आपको दोनों फिटिंग करना है इसी हिसाब से, और उसके बाद में ये जो आपका ट्रैक रहेगा वो ऊपर के साइड में आपको फिटिंग करना है। फिटिंग कैसे करना है, जैसे कि अंदर के साइड में इसको जो खाँचा देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पहले से हॉल करके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हॉल करना है और उसको फिटिंग करना है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। और हमारा जो स्लाइडिंग वॉलड्रॉप का जो साइज़ है वो आपका 7 फीट चौड़ाई में है, और हाइट देखेंगे तो ये हाइट में भी 7 फीट है। तो यहाँ पे हम लोग ये चैनल आपको लगा के दिखाने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चैनल फिटिंग कर लेना है इस हिसाब से, और नीचे वाला जो ट्रैक है वो भी आपको फिटिंग कर लेना है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो ट्रैक है वो भी आपको फिटिंग करना है, और इसके साथ में दोस्तों एक कैप रहेगा, जैसे कि जो स्क्रू है उसको कवर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो जो स्क्रू हम लोगों ने नीचे लगाए हैं, तो आपका डस्ट वगैरह बैठेगा नहीं, तो ये जो आप देख रहे हैं खाँचा है और स्क्रू हम लोगों ने जहाँ पे लगाया हुआ है उसके ऊपर ये कैप लगने वाला है, तो इसमें भी एक खाँचा रहता है कैप के अंदर, तो आपको उसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको कटिंग करना है, जैसे कि जो चैनल को कटिंग किया है उसके हिसाब से, और उसके अंदर आपको ये रख लेना है, तो ये इजी से फिटिंग हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्लिप रहता है, वो आपको इसको पूछ करेंगे तो उसका ये इसके अंदर बैठ जाएगा, तो प्रॉपर ये अच्छी बात है कि आपका जो डस्ट है वो कचरा वगैरह जो भी है इसके अंदर बैठेगा नहीं। और मेन बात रहती है दरवाजे का जो मेजरमेंट है, मैं आपको चैनल जैसे जो चैनल ऊपर और नीचे दोनों लगाइए उससे आपको 3 डोरा कम रखना है, और उसके हिसाब से आपको पूरा दरवाज़ा है वो ओके कर देने का है 3 डोरा कम करके, तो 1.5 डोरा ऊपर और 1.5 डोरा नीचे आपका गैप रह जाएगा, उसके हिसाब से आपको करना है। और अब हम आपको दिखाएंगे जो आपका जो कैस्टर रहता है, जो दरवाजे के अंदर के साइड में जो व्हील रहता है वो लगाने के लिए आपको खाँचा करना पड़ेगा। पहले जो आप देख रहे हैं ये वाला जो फिटिंग है, इसका जो बैक साइड वाला जो एरिया है उसको आपको खाँचे करके अंदर बिठाना पड़ेगा, तो मैं आपको बिठा के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कटर मशीन से उसको खाँचा करेंगे,
अगर आपके पास राउटर है तो आप राउटर से भी कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं ये वाला जो ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये वाला जो है ये नीचे के साइड में है, और इसके साइड में एक स्क्रू देख रहे हैं आप, उसको एडजस्टमेंट जैसे कि ऊपर नीचे आपका डोर करना है तो उसके लिए दिया हुआ रहता है, और यहाँ पे ये वाला जो लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये स्क्रू जो है वो उसको ऊपर नीचे, जैसे कि अगर आपका गैप वगैरह सेटिंग करना है आपका डोर, तो ये स्क्रू आपको टाइट करना है, टाइट करेंगे तो आपका ये डोर है वो ऊपर की साइड में जाएगा, अगर खोलेंगे तो नीचे के साइड में आएगा, तो इस हिसाब से ये स्क्रू दिया रहता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो चैनल की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, और ये आपको ध्यान रखना है जो हाइड्रोलिक आपने जैसे लगा दिया है, तो आपका एक ऊपर वाला जो आपको ये फिटिंग लगाना है, जैसे कि जो कैस्टर है जो व्हील है अंदर का, वो आपको ये मेजरमेंट आपको रखना है, वो प्रॉपर रखना है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग आपको दिखा देता हूँ, ये जो है स्लाइडिंग जो ये हाइड्रोलिक पंप है उसको अंदर फिटिंग होने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सॉफ्ट से बंद होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो ये जो कैस्टर लगाया है वो आपको 4 इंची यहाँ से 4 इंची आपको छोड़ के लगाना है, और तो प्रॉपर आपका ये जो हाइड्रोलिक काम करेगा। और आपका अगर विनियर आ रहा है तो विनियर को पकड़ के आपको 4 इंची रखना है, इसको अगर आप कम रखेंगे तो आपका जो हाइड्रोलिक है वो काम नहीं करेगा, तो वो प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। और अगर आप उसको 4 इंच की जगह 5 इंच भी रखा तो आप को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हाइड्रोलिक आप आगे खिसका के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम रख दिया तो वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, कम नहीं रखना है, 4 इंच या 4 इंच आपको रखना है, लेकिन जो भी आपका धार पर जो भी मटेरियल आने वाला है, अगर विनियर आ रहा है तो विनियर को पकड़ के आपको ये 4 इंची रखना है, इस हिसाब से आपको इसको फिटिंग करना है। जो भी कैस्टर है ऊपर वाला खाली कैस्टर, नीचे वाला आप अपने हिसाब से 4 इंची रख सकते हैं, 5 इंची रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऊपर वाला जो कैस्टर है उसका आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें जो दरवाज़ा आपका रहेगा वो सॉफ्ट काम करेगा, तो दोनों साइड का जो कैस्टर है ऊपर के साइड में, दोनों कैस्टर आपको इस हिसाब से फिटिंग करना है कि आपका 4 इंची होना चाहिए दोनों साइड से, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोगों ने जो खाँचा कर दिया है तो आपको पटासी से उसको फिनिशिंग करना है, थोड़ा वो देख लिया थोड़ा बता, लॉक दे रहा है देख रहा हूँ खाली। और ये वाला जो कैस्टर है आपको लगाना है, जैसे कि यहाँ पे 4 स्क्रू आपको मिलेंगे इसको फिटिंग करने के लिए, और ये खाँचा आपको करना है, जैसे कि यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर फिटिंग होगा, अगर आपका दोनों डोर आने के बाद में गैप अगर ज़्यादा रह रहा है तो उसको और खाँचा कर सकते हैं, जैसे कि जो ऊपर वाला जो डोर है उसको आप ये वाला जो खाँचा है उससे और पट्टी जो जितना भी है आप अंदर उसको कर सकते हैं, तो आपका जो गैप है वो कम हो जाएगा, तो वो एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे मैं आपको पूरा फिनिशिंग पूरा लगाने के बाद मैं दिखाऊंगा कि जो आपका हाइड्रोलिक जैसे कि जो सॉफ्ट क्लोजर है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है, और फिनिशिंग होने के बाद मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने ये कैस्टर फिटिंग कर लिया है, और इस हिसाब से आपको इसको फिटिंग करना है। फिटिंग करने के बाद में दोस्तों आपको इजी से ऊपर वाला जो कैस्टर है उसको लॉक करना है, दोनों जो कैस्टर है उसको लॉक करने के बाद में आपका डोर नीचे वाले चैनल के अंदर रखने के बाद में जो कैस्टर रहेगा जो आप लॉक सिस्टम देख रहे हैं ये वाला जो लॉक है उसको आपको अनपुश करना है, तो आपका जो ये वाला जो TSC है वो बाहर आ जाएगा, तो उस चैनल के अंदर फिट हो जाएगा, इस हिसाब से आपको फिटिंग करना है। तो काफ़ी सिंपल काफ़ी सरल तरीका है आपको ये चैनल जो लगाना है वो आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग फाइनली इसको चैनल को लगा दिया है, और काफ़ी अच्छी तरह से ये जो है सॉफ्ट क्लोजर है वो काम कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोलिक जो लगाया हम लोगों ने दोनों साइड में, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ ये साइड में भी आपका सॉफ्ट काम कर रहा है और ये साइड में भी आपका इजी से ये सॉफ्ट काम करेगा, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक अच्छे डिज़ाइन वीडियो के साथ में।